यार वैसे आज घूम फिर के बड़ा मजा आया, और ये जगह भी अच्छी है ना? इस जंगल मॉल में मैंने साथ से फैसिलिटीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। पर ऐसी जगहों पे सुना है कि अक्सर चुड़ैलें भी होती हैं। हाँ, तुम लोगों को पता है ऐसे बड़े बड़े गांव में सूरज ढलते ही जहां पे लोग सो जाएं, वहां अंधेरी सुनसान रातों में हवाई चीजें पार्टी करती हैं। बात उससे करिए, डरा मुझे रही है। प्लीज यार, अब भी तो आए हैं। थैंक गॉड हम किसी झोपड़ी में नहीं आए, वरना खेतों में वॉशरूम। यस एग्जैक्टली, खेतों में वॉशरूम और वो भी रात में इज इक्वल टू डेथ बॉस। अच्छा अच्छा, डराओ मत, पहले से ही खिड़कियों में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। कैसी आवाज है? भूखे भेड़ियों की तरह, जैसे रो रो कर हमें बुला रहे थे। तो एक काम करना था ना, चले जाती उनसे मिलने, खुश हो जाते बेचारे। तुम चली जाओ, पहले से बहुत बहादुर हो तुम ना। प्लीज यार, कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स, कुछ और बात कर लेते हैं। ऐसे एक और बात बताऊं मारिया, ये जो ऐसी हवाई चीजें होती है ना, ये कोई भी रूप लेके आ जाती हैं। कोई भी? हाँ, कोई भी। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा या कुत्ते का बच्चा नजर आया ना, तो प्यार से भी उसको प्यार ना करना, वरना उनका वार होगा और तुम्हारा आखिरी प्यार। मैं बाहर जा रही हूँ। अकेले? चुप कर जाना। बस कर दो सैम, वो बेचारे दोनों डरते जा रहे हो और तुम उनको डराती जा रही हो। तो ना डरो भाई, मैंने कौन सा कहा है कि डरो। वैसे भी हॉरर मूवीज में हमेशा से दिखाते हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंट फ्रेंड होती है ना, वो सबसे पहले मरती है। अच्छा वैसे इस घर में कोई लैंप या कोई कैंडल क्यों नहीं है? क्यों, लाइट तो है। हाँ, लेकिन ये जो हवाई चीजें होती है ना, उनको ऐसे बड़े बड़े वीरान घर ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या, सुना भी है और मूवीज में देखा भी है। क्या? यही कि जब ये चीजें आती है ना, तो अंधेरा हो जाता है। यार ये इधर इतनी लाइट क्यों जाती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। यार मुझे भी। वैसे ये जगह किसी हॉरर फिल्म की सिचुएशन से कम नहीं है। कहाँ ले आया मैं सादुर नुमान, यार इधर इतनी लाइट क्यों जाती है? पता नहीं। ओए ओए, शुक्र 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 शुक्र। ओहो ओहो, डरपोक क्या हो गया? चीखने की आवाज किसकी थी? कौन सी चीख, कैसी चीख, किसकी चीख? और वो जो मैं बाथरूम में था, आवाज आई थी चीखने की। तुझे क्या, तू तो अपना फुल टाइम लगा के आया। हाँ, कमोड पे 2-4 घंटे तो तूने पूरे पूरे लगाए हैं, ऐसे लग रहा है सारा पेट खाली करके आ गया। और बेटा, जब 2 चमचे खाए हो ना इसबगोल के, तो इतना टाइम लगाना पड़ता है। ओ हाँ, लाइट गई थी तब लड़कियां चीखी होंगी डर के। वैसे थोड़ा सा मैं भी डर गया था। यार ये यहाँ पे बार बार लाइट जाती है, कहीं यहाँ पे कोई भूत वगैरह तो नहीं है? है ना। कौन कौन कौन? वो जो हमारे साथ आए हैं 2 घोस्ट, मेरा मतलब होस्ट, हमारे प्यारे मेजबान नुमान और साद, किधर है दोनों? वो लेने गए रोस्ट, मेरा मतलब है खाना लेके आते होंगे डिनर पे। यार किधर हो, देसी कुकर पोन पोन आप ही तो नहीं खा रहे? यार मीनिंग मीनिंग मीनिंग, मेरा मतलब वो दोनों कहीं देसी मुर्गी भून के खुद तो नहीं खा रहे हैं? यार वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे गोस्ट, आई मीन हमारे होस्ट, ऐसी को हरकत करेंगे। अरे भाई क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं आप? कोई जिन विन तो नहीं चिमट गया आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ बाय द वे, नुमान और साद ने, बल्कि नहीं 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 नहीं,
साथ की दादी ने एक दफा मुझे बताया था कॉल पे। क्या? कि ये जगह पे ना कोई भूतिया सीन है। क्या बोल रहा है यार? हाँ सुन, उन्होंने बताया था कि 1935 की बात है कि एक दफा ना यहाँ पे एक कपल आया था अंग्रेजों का, तब यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। और फिर पता है क्या हुआ? क्या? उसके बाद वो दोनों यहाँ आए, उन्होंने चेक इन कर लिया। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि ना हम दोनों इस कमरे में चलते हैं, ये वाला। हाँ, इस कमरे में गए, उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या? वो दोनों मर गए। हाँ। और आज तक किसी को नहीं पता कि वो दोनों कैसे मरे। गाइस, सब खैरियत तो है? और ये तुम सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी, वो हमें लगा के इन्हें लगा कि तुम दोनों जिन हो और यहाँ इनका खून पीने आए हो। शट अप। और इन्होंने ना चाची शिंदे को यहाँ टहलते हुए देख लिया होगा। ओ यार, वो तो दूसरे गांव गया है। ओ हाँ, वो छड्डो पर। ये बताओ खाने का क्या सीन है? ओ हाँ, उसी के लिए तो आप सबको बुलाने आया था। चलो चलो शाबाश। ओए, देसी कुकर बनाया ना? चौधरियों के डेरे पे आया, तुझे ऐसा खाना मिलेगा ना कि कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। आ जाओ गाइस, जल्दी से खाना रेडी है, जल्दी आओ। चलो चलो, उठो कुड़ियों, चलो शहजादियों, चलो चलो चलो, बहुत भूख लगी है। गाइस, बहाज, वैसे यार तुझे ना अपना गिटार भी साथ लेके आना चाहिए था, एक कॉन्सर्ट ही हो जाता। कॉन्सर्ट? और इस वीराने में? हाँ तो भाई, जंगल में ही तो मंगल होता है ना। मैडम, आपको भी मेरा गिटार पसंद आ गया? मुझे ना तेरा गाना पसंद है। और वैसे भी तू जब स्टार बनेगा ना, तेरी सबसे बड़ी फैन मैं ही होंगी, क्योंकि तुझे स्टार बनाने वाले तो हम ही है ना। मेरा ही सबसे पहला गाना तुमने गाया था, और वो भी फ्री में। लेकिन अब आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं बन गया हूं स्टार। महान आर्टिस्ट साहब, शुक्र करें कि हमने आपको दुआएं दी हैं, उसी की वजह से ना आपको दूसरा गाना लाखों में मिला है। जी बाबा जी, आपकी दुआओं से ही तो ये हुआ है। क्या हो गया यार? वो पेट में ना। हाँ तो जिंदगी का आखिरी खाना समझ के नहीं खाना था ना? जट कहीं के? जट ना बोलो, अभी पेट में फुल टाइम व्हाट 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 नहीं है अंग्रेज, व्हाट व्हाट इंग्लिश में बोले तो क्रैम्प्स। अच्छा साहब, बच्चों की तरह रो मत, मेरे पास तेरा हल है। ओए नहीं, मैं वाकई सीरियस कह रहा हूँ, मेरे पास इस चीज का हल है। नुमान, तू जल्दी से जा, पानी और साथ वो अम्मी के टोटकों वाली पक्की है ना, वो लेके आ। पक्की? पक्की? हाँ पक्की, तुसी नहीं चखी? कहाँ है यार उस्मान को? यार पता तो है उस्मान के मजाक है, तो अच्छी जगह, बट मुझे तो डर लग रहा है। डरना भी चाहिए मारिया, हम तो यहाँ मेहमान है, लेकिन ये चीजें तो यही रहती है ना, इसलिए जरा शोर नहीं करना। मैडम ड्रॉप द कूल एक्ट, कल सबसे ज्यादा शोर कौन मचा रहा था? हाँ तो भाई, मैं इंसान हूँ, डर लग जाता है कभी कभी। ना डरो ना डराओ, क्या हम जाके सो सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही। मुझे तो नहीं नींद आ रही। एक काम करो, खेतों में जाकर चुड़ैलों के साथ सेल्फी ले आओ। मत डराओ सैम। सैम क्यों डरा रही हो उसको? अच्छा वैसे एक और बात बताओ, पीछे से ना आवाज आए तो मुड़ कर नहीं देखता, क्योंकि पीछे से चुड़ैलों की आवाज आती है। गर्ल्स वो मैं जरा बराबर में पार्टी थी तो चिल कर रहा था। अच्छा आप लोग डर गए खामखा?
अचानक मुझे ख्याल आया मेरे मेहमान गेस्ट हाउस में परेशान हो रहे होंगे, तो एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों से। क्या इंफॉर्मेशन? फार्म हाउस के अंदर जो आपका कमरा है उसका दरवाजा लॉक नहीं करना, क्योंकि लॉक खराब है। अगर अंदर से हो गया तो फिर अंदर से खुलेगा नहीं। लेकिन आप फिक्र नहीं करो, आप दरवाजा खुला रखना, मैं बाहर से मेन गेट लॉक कर दूंगा, टेंशन खत्म। मतलब कि हम उसे बगैर लॉक किए सो जाएं? जबरदस्त। जैम हो गया तो हम अंदर फंस जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर लॉक ना किया और बाहर से कोई आ गया तो हम ज्यादा फंस जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। लेकिन एक बात और, वो भी बताना चाहता हूँ। अगर रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे चीखों की आवाज आए तो आपने घबराना नहीं। चीखने की क्या मतलब? किसके चीखने की? किसी की भी हो सकती है, हमें खुद नहीं पता लगा वो कौन चीखता है, मगर कोई है। लेकिन कभी कभी, लेकिन एक चीज और, अगर किसी वक्त चीखों की आवाज आए तो आपने और जोर जोर से चीखना है, और जोर जोर से चीखना है। ये बराबर वाला फार्म हाउस समझो मेरा ही, आपने इधर जाना है और मैंने इधर। बाय। लो भाई, ऐसी हवाई चीजों को जो है ना वो लॉक की कोई टेंशन नहीं होती, वे ऐसी अंदर आ जाती हैं। मामा, गुड नाइट। कमीने खबीस आदमी, इतनी रात को डरा रहे, हार्ट अटैक आ जाता इनको तो क्या करते हम लोग? ये चुप कर, स्पाइडरमैन कहीं का चलाएंगे, देखिए इसकी, ये लड़के होते ना देखता मैं कैसे आता, वो डरा रहा था उनको। सुबह मेरी दर्द का मजाक उड़ाया ना आपने, बदला पूरा। मुझे पता है तू उनको डरा रहा था, पागल है तू, बिल्कुल पागल है। पिकनिक पे आए हैं, पेंट शिंट एंजॉय कर रहे हैं, इतना तो बनता है यार। तुझे तो ना मैं सुबह नहर में फेंकूंगी कमीने। नहर में नहीं, इसको नाले में फेंक। हाँ, कभी भी, स्विमिंग आती है मुझे। अच्छा चल निकल निकल, सोने दे सबकी नींद हराम करी हुई, निकल यहाँ से। जो सोता है वो खोता है, और जो सोती है वो खोती है। पागल थी का ये, हमेशा पागल का पागल ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये रख लो यहाँ पे, दोबारा आ जाएगा ये पागल, पता है ना इसके साथ क्या करना है। चल लाइट ऑफ करो। नहीं, पागल छोड़ दो प्लीज, इसको यहाँ रखते हैं और मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। प्लीज सो जाओ, तुम्हें पता तो है उस्मान है यार। ओके, इजी। यार ये गांव में तो खिला कर ही बेड़ा घर कर दिया है, और अभी तो उनके घर लंच करने भी जाना है। हाँ, पर सारा खाना था, कितना फ्रेश और टेस्टी। हाँ, और तू खा के तूने अपना हशर कर दिया है, रात को फिर बाथरूम बैठा होगा। हाँ, रात को भूल गए वो जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, और जो तुम 2 घंटे बाथरूम में बैठे रहे थे। पर तुम भूल गई हो, कल रात तो सिर्फ डराया बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। बेटा अब अगर ऐसी हरकत की ना तो मेरी गोली से नहीं बचेगा। कौन सी गोली, डिस्प्रिन या पैनाडोल? नाश्ता वैसे हैवी था। यार क्या बर्गर लोग हैं,
मक्खन, देसी घी, लस्सी, शुक्र मनाओ ऐसे खाने खाने को मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, कैसा लगा हमारे गांव का खालिस देसी घी वाला नाश्ता? यार खाना तो बहुत फिट था, लेकिन तुम लोग कैसे गोस्ट हो यार? होस्ट होस्ट। हाँ होस्ट। तुम लोग कैसे होस्ट हो, हमें इधर छोड़ के खुद चले गए? अगर मैं ऐसा ना करता ना तो चौधरियों का पूरा खानदान उठ के यहाँ आ जाता। चलो भाई अब सब तैयार हो जाओ, तुम सबको अपने गांव के अच्छे अच्छे बाग दिखाते हैं, और तुम्हें भी तो पता चले हम चौधरियों के बागों का। चौधरी नाश्ते का तो बड़ा मजा आया, पर वो इसबगोल जो दिया था रात को थोड़ा सा जरा। ओ भाई इसबगोल नहीं, उसमें ना अम्मी के स्पेशल टोटकों की फक्की भी थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं इतना एफिशिएंट कैसे है? यार एक तो ये मम्मी डैडी बच्चे पहली दफा गांव में आए हैं। और किसी को चाहिए पक्की? मैं बार बार नहीं जा सकता। मैं ना ऐसा करता हूँ कि जार उठा के ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। अब सवाल इनको मैं आता हूँ लेके। यस, अब सब खाएंगे हम। ओए गोटी कहाँ पे है? नूडल आप खेले। भैया हद हो गई है, कितना शोखा दोस्त है ना, कोई तमीज होती है बंदे में, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। मैं इतना रोक रही थी उसको और उसने उसे एक मिनट भी नहीं रुकने दिया। कोई बात नहीं बच्चू, मेरी भी ऐसी बद्दुआ लगनी है ना इस टूर को, इस सब कुछ खराब हो जाना है। बड़ा शौक है इसको इधर उधर मंडलाने का, कैसे मेरे साथ बदतमीजी करके चला गया। फौजिया की भी जुबान बड़ी काली है। इंशाल्लाह टूर से इतना जलील खुआर होके वापस आएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। बड़ा पसंद है ना इनको लड़कियों के साथ अकेले फिरना। मैं भी देखती हूँ यही लड़कियां इनको ऐसा जलील करेंगी कि वापस फिर मेरे पास ही आएंगे। कौन पुत्र? मेरा शहजादा। इससे पहले कि तुम्हारा शहजादा आ जाए नाश्ता कर लो। भूख नहीं है दादी। पुत्र भूख नहीं है तब भी खा ले, क्योंकि तेरे नाश्ते के बाद ना मैं तुझे खुशखबरी भी दूंगी और मुबारक भी दूंगी। मुझे? हाँ और किसको, तुम्हें देनी है ना। तुम जा रही हो? कहाँ? अपने घर पुत्र। मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं तुमने जाना, तुम्हारे अब्बा तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन है, दोनों बच्चियां सराहने खड़ी होंगी तो माँ को तसल्ली होगी। याद रखना नाफरमान मायूस ही रहता है। ये तो आप सही कह रही हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, सोच ले। बाकी सब तो करके देख लिया है मैंने, अब माँ की दुआ ही उनका दिल और मेरा नसीब बदल सकती है। मैं माँ को फोन करके आती हूँ। एक दफा ये बच्ची खैरियत से घर चली जाए बस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर नाश्ता हजम हो गया हो तो घर चलते हैं, अम्मा जी सबका इंतजार कर रही हैं, खाना बनाया और उस सब के बाद ना आप सब लोगों को एक जबरदस्त जगह पे लेके जाना हमने। ओ वैसे वहाँ पर जाकर तो ये सारी लड़कियों ने खुश हो जाना है। क्यों भाई, वहाँ इतना स्पेशल क्या है? ओ वहाँ के बड़े बड़े खेत, ठंडी हवाएं, क्योंकि दरिया के पास है ना, सबको मजा आ जाना है। वैसे भूख तो लग रही है, मुझे लगता है गांव की हवा का असर है। गांव की हवा का असर सिर्फ आप पे हो रहा है लगता है। वेट, इससे पहले कि मजीद सब पे असर हो चलते हैं। वो देख आयशे को कैसे पेड़ से आम उतार रही है, लगता है सारे आम आज ही खा लेगी। चलो मैं जरा ऐसे देखता हूँ। जा भाई ध्यान से जाना, पता चले ये भी आम तोड़ने लगा। अच्छा अम्मा तुहाडे नाल ते गल्लां हुंदियां रहणगियां, हुण वो बाहर खलोते ना, मैं जरा उन्हां नूं पिंड दिखा लिया। अम्मा अरे मेरी एक गल ते सुन। हाँ वैसे कुड़ियां ना सारियां ही बड़ियां सोहणियां ने। माशाल्लाह ते अगर तेनू विचो कोई वक्री पसंद है तो दस दे, मैं रात नू तेरी दादी नू कह के ना तेरा रिश्ता पक्का करा दा। ओ मां एहो जी कोई गल नहीं, असी सारे एक फैमिली तरह रहने आ, उत्थे एहो जी सोच नहीं काम करदी, भैन भरावां तरह रहने आ। अच्छा
पर ओह जा वाली ते बड़ी सोहनी है गीड़िया ते नाल किड्डी चंगी लगदी है। मां जी यही तो साडे लोकां दा मसला है कि असी जजमेंटल बड़े हाँ, हिजाब वाली सही है तो जिन्हें दुपट्टा नहीं लेदा वह ठीक नहीं हैगी। पर निकल आओ इस सोचो, इन्हों के कारनामे देखो किड्डे किड्डे वड्डे काम किए ना इन्हों ने, बच्चों वास्ते ना स्कूल बनाया इन्होंने ताकि बच्चे गरीब बच्चे फ्री तलीम हासिल कर सकन, और दूसरे काम इन्होंने मैं तुम्हें दसा ना तो थोड़ी अखा खुल जा। वैसे तू कि चंगी गल् कर लग गया, मैं लगता तू इन्हों के नाल रहना ना, इस वास चंगी गल् कर रहे हैं। ए तो गल तुम बहुत वधिया की, वैसे इन चंगी कुड़िया ने लगदिया भी अच्छे खानदान दया ने अच्छिया बच्चिया ने माशाला, मेरा तो दिल करता मैं भी कुकी नू ना हुण कॉलेज दाखला करवा दा। वैसे माँ जी पहली दफा तुसी कोई चंगी गल की है। ओ, तेरा जिस तरह मुड़िया वास्ते तलीम जरूरी है ना, उस तरह कुड़िया वास्ते भी उन्नी जरूरी है। कि बाहर निकलन गियां इन्हां नू दुनिया का पता चलेगा, कल नू इन्हां दियां शादियां होनियां, इन्हां नू पता लगेगा दुनिया वसदी कित्थे है, जिंदगी गुजारनी किवें है। एक पढ़ी लिखी माँ ना आने वाली सारी नस्लां संवार दिंदी है। सही कह रहे हैं, बस मेरे माँ प्यो ने गलती की जेड़ा मन नहीं पढ़ाया। सही कह रहे हैं पुत्र, बस। अच्छा माँ जी मैं इजाजत दो बाहर खलोते ने। पहले बड़ी इजाजत लैके जाना जेड़ा हूं इजाजत लै रहे हैं, वो तेरी खाला फरजाना ते शौकी आने वाले ने। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਨਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਝਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਝੁੱਡੂ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਐਡੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ। ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ, ਆ ਐਡੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਮ ਲੋਗ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਅਬ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ? ਓ ਯਾਰ ਵੋ ਫੱਕੀ ਕਾਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਮ ਲੋਗ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈਂ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਦੇ ਨਾ ਮੁਝੇ ਕਾਮ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਪੇ, ਤੂੰ ਚਲੋ ਪਿੰਨ ਭੇਜੋ ਮੁਝੇ, ਵਟਸਐਪ ਚਲਤਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾ ਸਾਥ ਲੈ ਆਨਾ, ਛੋੜ ਦੇਂਗੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੂਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਨਾ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਲਗਾ ਦੇ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਵਾਕੀ ਵਾਕੀ ਟੈਟ ਹੈ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਹੈ।
ना, ये उस्मान कहाँ है और ये आयशा कहाँ रह गई, ये नजर क्यों नहीं आ रही वो हमारे साथ? यार उसके बाबा की कॉल आई हुई थी तो वो उधर भी थी। है कोई नहीं, हम तो घूमे, फन मिस कर दिया उसने। अच्छा चलो आओ मैं अगला स्पॉट दिखाता हूँ। यार ये फिट लाइफस्टाइल है, मैं भी एक दिन फार्म हाउस बनाऊंगी किसी गांव में। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इधर ही कोई रिश्ता ढूंढ देते हैं, फार्म हाउस वालों से पूछते हैं ना, कोई एक लड़का तो होगा जो सिंगल होगा और तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार होगा। शट अप, मैं खुद बनाऊंगी अपनी मेहनत से। तो फिर एक काम करो, मेरे लिए लड़का ढूंढ लो क्योंकि मुझे आराम करने का बहुत शौक है। ओए चश्मा टू, तेरी अम्मी को मैं कैसे लगी? अच्छा गाइस, उस्मान का पता है किसी को कहाँ है, क्या सीन है उसका? हाँ वैसे काफी देर नहीं हो गई। एक बात बताओ, क्या वो यहाँ पे फक्की के साथ वक्त गुजारने आया है? एक काम करना, जब वापस आने लगे ना तो 3-4 किलो उसको साथ दे देना। अच्छा ऐसे करते हैं कि हम जाते हैं और उसको लेके आते हैं, ठीक है? उसको और उसकी फक्की दोनों को। तू मौत के फरिश्ते को ना किसी पते की जरूरत नहीं होती। पागल हो गया? पागल तो मैं शुरू से ही था, तुझे अब पता चला? देख मेरी बात सुन, जैसा तू समझ रहा ना वैसा कुछ नहीं है। समझने समझाने का वक्त गया। आज मैं तुझे जेल से मार दूंगा। गन लेके आया, उसको जान से मारोगे? होश में हो? पागल है क्या जहर का बच्चा? छोड़, पुलिस को बुलाओ, दिमाग खराब हो गया इसका। उस्मान मर सकता था जहांगीर, तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कमीने इंसान को मर जाना ही बेहतर है। मुझे 2 मिनट दो, अल्लाह की कसम मैं साबित कर दूंगा कितना घटिया और नीच इंसान है। यार तुम लोग इसकी बातें सुन रहे हो, बुलाओ पुलिस को। हाँ बुलाओ बुलाओ, बल्कि अच्छी बात है यहाँ सब सामने है ना, मेरे तो सिर्फ पेपर जाएंगे, उस्मान जट वो तो इनकी नजरों से जाएगा। मैं इस इंसान की शक्ल नहीं देखूंगा, घर चलो सबके सब। अबे भाग क्यों रहा है डरपोक? सब सामने है ना, बताओ ईशा जी को। ये क्या बात हो रही है, मैं बीच में कहां से आ गई? हमेशा से तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो आयशा? सब चलो यहाँ से। एक मिनट उस्मान, तुम चुप रहो। क्या बात, क्या सोच रही हो? रुक, सुनने दे उस्मान, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू क्यों सुनेगा किसी की? सुनूंगा सुनूंगा और फैसला भी करूंगा आज, कि अब बात मेरी बहन की है। खुदा की कसम आज मुझे इस बात का नहीं पता, और मैंने आज तक आयशा जी को कभी बुरी नजर से नहीं देखा। यार जहांगीर सीधी बात कर वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। आराम से बात करो, हमारी दोस्त की बात कर रहा है, जिंदा गाड़ देंगे तुझे यही। और अगर तुझे एक बार यहाँ पे गाड़ दिया ना तो तेरे खानदान का कोई फर्द भी यहाँ से तेरी लाश नहीं लेके जा सकता। आराम से बात करो, क्या हो गया तुम सबको? बोल क्या कहानी है? आज उस्मान चुप कर जा, आज जब तक ये बोलेगा नहीं तू चुप करके रहेगा। बोल जहांगीर। मैं आयशा जी को पहले दिन से पसंद करता हूं और ये बात मैंने इसे बताई थी। ये कहता कोई बात नहीं जहांगीर भाई, मैं आपका काम करवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। पिछले कई महीनों से इस इंसान ने मुझसे हजारों रुपए लूटे हैं, ये कहकर के
आयशा जी को पैसों की जरूरत है। झूठ झूठ बोल रहा है ये। उस्मान चुप हो जा। झूठ? मैं कुरान की कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं तो इज्जत से रिश्ता भेजना चाहता था यार। मुझे पहले कहता है कि ठीक है मैं करवा दूंगा, अगर मुझे फोन करके कहता है कि मैंने आयशा जी से मंगनी कर ली। अगले हफ्ते मेरा निकाह है और तू मेरे रास्ते से हट जा। सीरियसली? कई महीने से आयशा जी आपके नाम पे इसमें लारे लगा रहे हैं। इसे बोले ना उठाता है कुरान, उठाता है, मेरे साथ चलता है। बोल यार, मैं आज मैं बताना चाहता था सबको। कर जा उस्मान, बस जहांगीर तू चुप, चल मेरे साथ चल, छोड़ दे। वहाज तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू क्यों सुनेगा उसकी? आयशा सॉरी, मैं तुम सबको तो पता है मैं मजाक कर रहा था। एक लड़की की इज्जत मजाक नहीं होती। तुम मेरे दोस्त से मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा। एनी, क्या फिलहाल साथ? मुझे घर जाना है अभी, मैंने नहीं रुकना है यहाँ पे। आयशा, आई कैन अंडरस्टैंड बट रिलैक्स, वैसे भी हम सब जा रहे हैं। तुम लोग ही पैकिंग कर लो। तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए लड़का ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। मतलब? अब मतलब फिटनेस लवर, गुड स्टूडेंट, गुड ह्यूमन, इसी तरह। मैं समझ गई, उसमें वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, है ना?